हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंश एस्ट्री गुरु में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस से हम क्या समझते हैं और सेल्फ इंडक्टेंस को मापने की इकाई क्या है। उसके साथ में जानेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों का ध्यान रखता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम इतनी चीज़ों पर बात इतने टॉपिकों पर बात करने वाले हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, उसके बाद हम एक एक करके एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी सर्किट का वह गुण है जिसके द्वारा हम यदि उसमें बहती हुई करंट को परिवर्तन करें तो उस सर्किट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा हो जाता है। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, यह सप्लाई है हमारा और ये कुछ इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो रही है। तो मानते हैं कि एक कॉयल है हमारा एन चक्कर की बनी हुई है, और इसमें एम्पियर धारा, जैसे कि इसमें जो है धारा हमारी है वो एम्पियर आई धारा क्या प्रवाहित कर रही है या प्रवाहित हो रही है। तो उसमें फ्लक्स का जो संबंध है चुंबकीय बल रेखाओं, यानी कि यदि अगर इसमें बहने वाली करंट का परिवर्तन किया जाए, जैसे कि ये करंट इसमें परिवर्तन किया जाए, कभी यहाँ से निकल रही है, कभी यहाँ से, कभी इस तरीके से आके इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर करंट परिवर्तन किया जाए तो कॉयल की बल रेखाएं, जो फोर्स होता है कॉयल की बल रेखाएं में परिवर्तन होगा, इस प्रकार से कि फैराडे के सिद्धांत के अनुसार इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है। इसमें क्या होता है, इस जैसा कि आपको बताया गया, तो उसमें क्या होता है कि ये फैराडे के नियम के अनुसार इस कॉयल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है, ठीक है। तो हम किसी कॉयल में पैदा हुई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस एल अपांग डी आई डी टी। अब डी आई डी टी हमारा क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। डी आई अपांग डी टी ये हमारा क्या करंट परिवर्तन की दर है, और हमारा एल जो है वहां इंडक्टेंस है, क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि एल हमारा क्या इंडक्टेंस है और डी आई डी टी क्या ये करंट परिवर्तन की दर है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, उसके बाद हमारा इंडक्टेंस, हमारा इंडक्टेंस यही है। अब बात करते हैं इंडक्टेंस के साथ साथ इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हल करके देख लेते हैं, जैसे कि आपको बता देता हूं कैसे किसी इस प्रकार इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो कैसे आप हल करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ एग्जांपल, एक करंट 200 एम्पियर से 50 एम्पियर तक 2 सेकंड में गिर जाती है, तो कॉयल की इंडक्टेंस 30 मिली हेनरी हो तो कॉयल में पैदा हुई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सूत्र आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है कि माइनस एल इंटू डी अपॉन डी टी। तो डी और डी टी के बारे में हमने बताया कि हमारा करंट परिवर्तन की दर है, एल हमारा इंडक्टेंस है और ई हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है और इसका हमको हल करना है। तो कैसे करेंगे ये चीज़ हम देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ देखिए। तो सबसे पहले जो करंट है, करंट हमारा क्या 2 सेकंड में गिर जाता है, करंट क्या 2 सेकंड में, यहाँ लिखा हुआ ना कि 200 एम्पियर से 50 एम्पियर तक 2 सेकंड में गिर जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि करंट तो 0.2 सेकंड में गिरी इक्वल टू 200 माइनस 50 एम्पियर, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 150 एम्पियर। यही आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर पूछिएगा। उसके बाद फिर क्या है, इसका सूत्र हमको यहाँ फिर लिख लेते हैं, इक्वल टू माइनस एल अपांक डी आई डी टी, डी टी में करंट गिरने की दर, करंट गिरने की दर, करंट इसमें कितना गिर रहा है ये चीज निकाला, तो इसको इक्वल टू कर देते हैं, हम लिखते हैं 150 × 10^2। अब पूछेंगे आप कि ये 10^2 कैसे आया, तो यहां 0.2 सेकेंड्स दिया हुआ है, 1 अपांक अगर हम 2 करेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 10^2 लिख सकते हैं, यस। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको गुणा भाग करके हम देख लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 0 = 25, 5 × 1 = 2, 7, 750 एम्पियर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इंडक्टेंस हमारा कितना है हमको पता है, इंडक्टेंस
इंडक्टेंस। एल स्केल टू कितना दिया है, 30 मिली हेनरी, 30 मिली हेनरी, यहां देख रहे हैं ना, 30 मिली हेनरी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 30 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई, इसका करेंगे तो आएगा कितना, जब इसको हम करेंगे भाग देंगे इसमें 30 में 1000 से, कितना आएगा, 0.03 हेनरी। ये आ गया ना। अब और इसमें हम अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही निकालना है, तो जैसे कि हमारा इंडक्टेंस का पता चल गया, इंडक्टेंस का पता चल गया, और ये DI/dt करंट परिवर्तन की दर भी पता चल गई, तो अब कैसे करेंगे ये चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ लिखते हैं E स्केल टू -0.03 × 750। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -2.5 वोल्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब माइनस चिन्ह का अर्थ है कि वोल्टेज में दिए हुए वोल्टेज का विरोध करेगी। ये जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये जो माइनस का हमारा चिन्ह लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि यह वोल्टेज के दिए हुए वोल्टेज का विरोध करना, विरोध करती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेना।